पिछले दो दिनों से हर दिन हरिओम सोसाइटी के रहवासियों को शाम के समय तेज बम फटने की आवाजें सुनाई दे रही थी। वह आवाज इतनी जोर से थी कि बम फटने या कुछ और बजने की आवाज है। उससे निवासी भयभीत हो चुके थे। इससे स्थानीय लोगों में दहशत है। नागरिकों ने बताया कि उस स्पॉट की आवाज भूकंप की तरह जमीनी स्तर को हिला देने जैसी थी। दो दिन तक इसकी आवाज सुनकर नागरिकों ने विधायक समीर मेघे को इसकी जानकारी दी। इस बीच विधायक समीर मेघे ने बुधवार रात 9 बजे हरिओम सोसाइटी के दौरा कर स्थल का निरीक्षण किया। आवाज सुनने के लिए विधायक मेघे करीब एक घंटे तक रुके। ये आवाज कहां और क्यों आ रही है इसकी जानकारी ली। नागरिकों के साथ चर्चा के बाद अनुमान लगाया गया था, लेकिन क्षेत्र के आसपास कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई कंपनी नहीं है, न तो कोई खदान कोई माइन है, लेकिन चर्चा है कि आवाज कहां से आ रही है। इसके साथ ही विधायक समीर मेघे के साथ वाड़ी थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रदीप रायकवार ने भी निरीक्षण के लिए मौजूद रहे, लेकिन कल तक कोई आवाज नहीं आई। विधायक समीर मेघे ने ये भी कहा कि जब मैंने खुद इस बात का ध्यान रखा और निरीक्षण किया तो कहीं किसी बात की अनदेखी ना हो तो वह गुरुवार को इस मामले की जानकारी कलेक्टर को देंगे। इस अवसर पर विधायक समीर मेघे, पीआई प्रदीप रेनावार, केशव बांद्रे, सुजीत नितनवारे, नरेश चर्डे, दिनेश कोचे, आनंद बाबू कदम, विजय घंटाड़े, राकेश मिश्रा, कैलाश मथापुरवार, अभय कुनवार, रामप्रसाद पटले, राजेश जीरापुरे और अन्य भारतीय जनता पार्टी अधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक मुख्य रूप से उपस्थित थे। मैं काल मागील दोन रात्रीपासून या परिसरामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात आवाज येतो आणि लोकांच्या घराच्या घर हिलतं असं कालपासून मला एक दोन फोन आले होते आणि स्पेसिफिक टाइम आहे 9 ते 10 तो प्रसंग होतो। पण आज स्वतः इथला काल फार लोक घाबरले होते, म्हणून मी आदरणीय पी आय साहेबांना विनंती केली होती। आम्ही दोघं आज जवळपास अर्धा पाऊण तास बसलो, पण आज असा कुठलाही प्रसंग घडला नाही। पण हे काही आपण थोडंसं गंभीरतेने ह्या विषयाला घेतलं पाहिजे, म्हणून उद्या कलेक्टर मॅडमशी मी स्वतः बोलतो। जे काही जॉग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया आहे किंवा अजून कुठली यंत्रणा आपल्या नागपूरमध्ये असेल, जे काही अर्थक्वेक आला होता, भूकंप आला होता का किंवा अजून काही विषय असेल, त्या उद्या अधिकाऱ्यांशी बोलून त्यांना ह्या गोष्टीची माहिती देतो। म्हणजे असं काही झालं नाही पाहिजे की लोकांना आपण फार गमतीत घेऊन आलो, मजा काय घेऊन आलो, उद्या काहीतरी मोठा प्रसंग घडला नाही पाहिजे याची दक्षता त्या लोकांना, टेक्निकल लोकांना मी उद्या माहिती देतो। ते पण एक सर्वे वगैरे जे काय असेल त्यांचं ते करतील। आणि मला तर असं वाटत नाही की काही घाबरण्याचं कारण आहे, पण लोकांनी थोडं सावधान राहा अशी मला आपल्या माध्यमातून लोकांना एक अपील करायची आहे।